Good morning, my dear students. So, welcome to the period of history. And in the history, we had seen lesson number 1, the Indian subcontinent and history. So, we had seen up to here. Page number 2, up to here we had completed in the previous periods. Now we are going to see from here. We had seen in the previous period that the important regions of India. So there were 6 regions. There are 6 regions, and among them one is Himalaya. Okay. Himalaya. You can see the picture of Himalaya. Okay. It looks like a silky covering, isn't it? So this is Himalaya. The Hindu Kush and Himalaya ranges have created an impenetrable wall on the northern side of the Indian subcontinent. ये जो हिमालय है इसने ये क्या है ये पर्वत है बड़े बड़े वहाँ पे बर्फ गिरती है ना तो ये जो बड़े बड़े पर्वत है ये पर्वतों के कारण क्या हुआ है जो इंडिया का नॉर्दर्न साइड है इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्यों बोला इंडिया को बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ कॉन्टिनेंट एशिया कॉन्टिनेंट जो है उसका एक पार्ट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी इंडिया तो इंडिया का जो नॉर्दर्न साइड है नॉर्दर्न साइड पे आपने देखा है कि हिमालय पर्वत है और ये हिमालय पर्वत इतना ऊंचा है कि यहाँ से कोई अंदर आ ही नहीं सकता यानी इंडिया में अगर आना है तो ये पर्वत को क्रॉस करके आना बहुत ही मुश्किल है इसीलिए उसे इम्पेनेट्रेबल बोला गया है यानी वहाँ से कोई अंदर इंडिया में नहीं आ सकता है This wall has separated the Indian subcontinent from the deserts of Central Asia. ये जो है हिमालय पर्वत और इधर हमारा इंडिया है इस तरफ लेकिन हिमालय पर्वत के उस तरफ जो है सेंट्रल एशिया आता है सेंट्रल एशिया का डेजर्ट जो है वो आता है डेजर्ट यानी रेगिस्तान जो होता है वो वहाँ पे आता है इसके पीछे में However, there is a land route through the Khyber and Bolan passes in the Hindu Kush mountains. Hindu Kush mountains जो है Hindu Kush और Himalaya ये अलग अलग mountains हैं लेकिन एक ही जगह पे हैं तो Khyber और Bolan नाम के कुछ ऐसे roads बनाए गए हैं route जिससे एक country से दूसरी country में जाना possible हो okay. This route was connected to an ancient trade route. ये जो route है Khyber और Bolan वाला वो ancient trade route से मिलता है The trade route from China passed through Central Asia and reached Arabia. और ये जो trade route है ये China से होकर Central Asia तक जाता है और उसके आगे Arabia में जाके मिलता है तो चाइना से अगर अरेबिया जाना है तो ये रूट से जा सकते हैं ये ट्रेड रूट कहलाता है ट्रेड यानी व्यापार करने वाला यानी लोग जो व्यापार करने के लिए आते हैं चाइना से अरेबिया अरेबिया से चाइना या सेंट्रल एशिया के किसी देश में और कहीं पे करना है ट्रेडिंग करना है तो वहाँ पे वो रूट यूज़ किया जाता है इट इज़ नोन एज द सिल्क रूट और इसी ट्रेड रूट को बोला जाता है सिल्क रूट और सिल्क रोड सिल्क रूट या सिल्क रोड इसको बोला जाता है अंडरलाइन दिस वर्ड्स द वर्ड्स दैट आर इम्पॉर्टेंट द सेंटेंसेस दैट आर वेरी इम्पॉर्टेंट यू शुड अंडरलाइन देम ओके बिकॉज सिल्क वॉज द मेन कमोडिटी एक्सपोर्टेड टू द वेस्टर्न कंट्रीज यूजिंग दिस रोड इसको सिल्क रूट क्यों बोला गया है बिकॉज सिल्क जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है हमारे यहाँ से बोलो या चाइना से तो चाइना से या एशियन कंट्रीज में जहाँ पे भी सिल्क बनता है वहाँ से वेस्टर्न कंट्रीज जो है जैसे अमेरिका है
और यूरोप है, ऐसी कंट्रीज में ये भेजा जाता है। तो उस समय ये सिल्क जो है एक्सपोर्ट करने के लिए जो रास्ता यूज होता है वो यही रास्ता है, ट्रेड रूट यानी सिल्क रूट। उसको नाम सिल्क रूट दिया है क्योंकि सिल्क ज्यादा से ज्यादा वहां से एक्सपोर्ट किया जाता है। द रूट थ्रू द पासेस वॉज यूज बाय मेनी फॉरेन इन्वेडर्स टू एंटर एंशंट इंडिया। और ये जो रूट है ये बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज के जो लोग हमारे यहाँ आते हैं इन्वेंशन करने के लिए या और कुछ काम के लिए आते हैं, तो वो इंडिया में आने के लिए यही रास्ता यूज करते हैं। मेनी फॉरेन ट्रेवलर्स ऑल्सो केम टू इंडिया बाय दिस रूट। तो फॉरेन से आने वाले लोग भी ये रास्ता यूज करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, ये खैबर पास आप देखोगे हिमालयस के बीच में से, ऐसे पर्वतों के बीच में से, और हिंदू कुश जो है पर्वत उसके बीच में से इस तरह के रास्ते बनाए गए हैं। दिस इज खैबर पास। तो ये रास्ता जो दिख रहा है ना आपको, ये सेकंड, द प्लेन्स ऑफ द सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्रा। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्रा क्या है? रिवर्स है। तो ये जो रिवर्स के बीच वाले, रिवर्स के किनारे जो लैंड है, प्लेन्स है वहां पे, तो वो वाला ये हिस्सा है। दिस रीजन कंसिस्ट ऑफ द बेसिन्स ऑफ द थ्री बिग रिवर्स। ये जो है सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है, तो उनके आसपास वाला जो एरिया है वो कहलाता है द प्लेन्स ऑफ सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्रा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज सब रिवर्स होती है ना, एक रिवर में से और दो तीन रिवर ऐसे निकलती है, कभी कभी डिवाइड हो जाती है ना रिवर ऐसे। ये जो मेन रिवर है, सपोज ये मेन रिवर है, तो कभी कभी थोड़ा सा पानी इधर बहता है इधर बहता है, इससे और एक छोटी सी रिवर बन जाती है, दैट इज ट्रिब्यूटरीज। दिस रीजन एक्सटेंड्स फ्रॉम सिंधु पंजाब इन द वेस्ट टू द प्रेजेंट डे बांग्लादेश इन द ईस्ट। यानी ये जो रीजन है कहाँ से कहाँ तक है? सिंध पंजाब जो है वहां से लेकर बांग्लादेश तक इन द ईस्ट। इट वॉज इन दिस रीजन दैट द अर्लिएस्ट इंडियन सिविलाइजेशन ऑफ हरप्पा एंड द लेटर स्टेट्स एंड एम्पायर्स ऑफ एंशंट इंडिया इमर्ज। ये वही इलाका है जहाँ पे हरप्पा कल्चर जो है हमें, हड़प्पा सिविलाइजेशन का उसकी खोज हुई थी। यानी आपने प्रीवियस इसमें पढ़ा होगा कि हरप्पा में बहुत सारे पुराने जमाने की चीजें मिली थी, और उससे फिर हिस्टोरिकल बहुत सारे इन्वेंशंस हुए थे और खोज हुई थी उसके ऊपर कि ये कहाँ से आए। कुछ चीजें मिली थी वहाँ पे, यानी खुदाई में बहुत सारी चीजें वहाँ पे मिली थी। एम्पायर्स ऑफ एंशंट इंडिया इमर्ज। नाउ द थार डेजर्ट। थार डेजर्ट मैंने आपको बताया था, ये जो डेजर्ट है ये राजस्थान में है। यहाँ पे पूरी रेत होती है, देखा होगा आपने, रेगिस्तान है पूरा। द थार डेजर्ट स्प्रेड्स अक्रॉस राजस्थान, हरियाणा एंड सम पार्ट्स ऑफ गुजरात। ये जो थार डेजर्ट है ये थोड़ा बहुत गुजरात और हरियाणा में भी है, और ज्यादा से ज्यादा हिस्सा इसका कहाँ है? राजस्थान में। अ पार्ट ऑफ द डेजर्ट लाइज इन टूडेज पाकिस्तान। और थोड़ा बहुत हिस्सा जो है राजस्थान का, ये इस डेजर्ट का थोड़ा बहुत हिस्सा पाकिस्तान में भी फैला हुआ है। द डेजर्ट हैज सतलज रिवर टू इट्स नॉर्थ। इस डेजर्ट के नॉर्थ में सतलज रिवर है। द अरावली माउंटेन रेंज टू इट्स ईस्ट। और उसके ईस्ट में यानी पूर्व में अरावली रेंज भी है, यानी अरावली पर्वत जो है वो है। द रैन ऑफ कच्छ टू इट्स साउथ एंड द इंडस सिंधु रिवर इन इट्स वेस्ट। और रैन ऑफ कच्छ जो है वो साउथ में है, और इंडस यानी सिंधु रिवर जो है वो वेस्ट में है। द घाघर रिवर दैट ओरिजिनेट्स इन हिमाचल प्रदेश रीचेज द थार डेजर्ट। ये जो घाघर रिवर है ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है
और थार डेजर्ट तक पहुंचती हैं। इट इज़ नोन एज हाकरा इन पाकिस्तान, और उसी को हाकरा भी बोला जाता है, पाकिस्तान में उसका नाम है हाकरा। इट्स कोर्स इन राजस्थान एंड पाकिस्तान हैज नाउ ड्राइड अप, पर ये रिवर जो है वो पूरी तरह से सूख गई है। मेनी साइट्स ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन आर सिचुएटेड अलोंग द नाउ ड्राई कोर्स ऑफ द रिवर। तो हरप्पन सिविलाइजेशन का जो मिला था तो उसके निशान वहाँ पे मिलते हैं इस रिवर के बेसिन में, या वो जो सूखी हुई रिवर है वहाँ पे मिलते हैं। द डेक्कन प्लेट्यू, द रीजन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। सो डेक्कन प्लेट्यू कहाँ पे है? ईस्ट और वेस्ट कोस्ट जो है इंडिया का, टेपर्स ऑफ द साउथ। तो ये आपको मैंने दिखाया था इसका क्या मैप दिखाया था, हाँ ये देखिए डेक्कन प्लेटू, ये जो एरिया है ये पूरा डेक्कन प्लेटू कहलाता है। ये जो ब्राउन ब्राउन दिख रहा है ना आपको, ये पूरा एरिया डेक्कन प्लेटू है। सो ये दोनों कोस्ट के बीच का है, दोनों कोस्ट मैंने बताया नहीं, ये वाला कोस्ट, ये वाला ईस्टर्न कोस्ट और ये वाला वेस्टर्न कोस्ट, इनके बीच वाला हिस्सा जो है ये है डेक्कन प्लेटू। सो दिस रीजन हैज अरेबियन सी टू इट्स वेस्ट, द इंडियन ओशन टू इट्स साउथ एंड द बे ऑफ बंगाल टू इट्स ईस्ट। उसके वेस्ट में अरेबियन सी है, साउथ में इंडियन ओशन है और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, ये भी मैंने आपको दिखाया था। अ रीजन दस बाउंड बाय द सी ऑन थ्री साइड्स इज कॉल्ड अ पेनिनसुला। इस तरह का जो रीजन होता है, इस तरह की लैंड जिसके तीनों साइड से समंदर हो, हमने देखा है मैप में कि इंडिया के ये वाला जो हिस्सा है ये भी समंदर है, ये वाला हिस्सा है यहाँ पे भी अरेबियन सी है और नीचे इंडियन ओशन है। तो ये तीन हिस्सों में, अगर किसी भी लैंड के तीनों हिस्सों में अगर समंदर होता है, पानी होता है, तो उसे बोलते हैं पेनिनसुला। उसको क्या बोलते हैं? पेनिनसुला। ये देखिए यहाँ पे डेफिनेशन है, इसको हम अंडरलाइन करेंगे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अ रीजन दस बाउंड बाय थ्री बाय द सी ऑन थ्री साइड्स इज कॉल्ड पेनिनसुला, ये इम्पॉर्टेंट है। अ मेजर पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला इज ऑक्यूपाइड बाय द डेक्कन प्लेटू। तो ये जो डेक्कन प्लेटू हम है उसका बहुत सारा हिस्सा ये तीनों समंदर से घिरा हुआ है, ये पेनिनसुला जो है उससे घिरा हुआ है। द माउंटेन रेंजेस ऑफ द विंध्या एंड सातपुड़ा आर लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द डेक्कन प्लेटू। तो विंध्य पर्वत और सातपुड़ा पर्वत जो है ये डेक्कन प्लेटू के नॉर्थ साइड में है। द सह्याद्री माउंटेन रेंजेस आर टू द वेस्ट, वेस्ट में सह्याद्री माउंटेन्स है। दे आर ऑल्सो नोन एज द वेस्टर्न घाट्स, उसको वेस्टर्न घाट भी बोला जाता है। टू द ईस्ट ऑफ द सह्याद्रीज इज द कोस्टल रीजन ऑफ कोकन एंड मलाबार। तो ईस्ट सॉरी वेस्ट में, सह्याद्री के वेस्ट में कोस्टल रीजन जो है वो कोकण और मलाबार है, ये वाला, ये जो वेस्टर्न रीजन है यहाँ पे कोकण और मलाबार है, ठीक है। और उसके ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न में जो है द माउंटेन्स टू द ईस्टर्न साइड ऑफ द डेक्कन प्लेटू आर नोन एज ईस्टर्न घाट। तो इस तरफ जो घाट है वो ईस्टर्न घाट है और इस तरफ जो घाट है वो वेस्टर्न घाट है। ओके, डेक्कन प्लेटू हैज फर्टाइल लैंड वे आर मेनी पोस्ट हरप्पन एग्रेरियन कल्चर्स फ्लरिश्ड। तो डेक्कन प्लेटू जो है ये बहुत ही फर्टाइल जमीन है, यहाँ पे अच्छा खासा अनाज उग जाता है और बहुत ही फ्लरिश्ड है, मतलब यहाँ पे जो हरप्पन हमने देखा है कि हरप्पा की संस्कृति जो थी उसका वो जो सिविलाइजेशन था वो हमें यहीं पे खुदाई करने के बाद मतलब यहाँ पे भी उसके अवशेष पाए गए थे,
Deccan Plateau was a part of the Maurya Empire. Deccan Plateau पर मौर्या जो घराना था, राजघराना, उनका उनका रूल था. The largest in ancient India. After the decline of the Maurya Empire, too, several other kingdoms and smaller empires continued to flourish in this region. और ये जो region है, यहाँ पे बहुत सारे राजे महाराजे होकर गए हैं, बहुत सारे empires यहाँ पे हो चुके हैं, रह चुके हैं. The coastal regions from the time of the Harappan civilization, ancient India had trade relations with the western countries. This trade was carried on by sea, therefore India had developed contact and interaction with foreign cultures and people at the seaports. Later on, land routes came to be used for trade and transport, but the importance of sea routes did not diminish. तो कोस्टल रीजन जो है, जैसे कोकण मैंने बताया, ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट देखा ना हमने, तो वहां से क्या होता था, फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रेडिंग होता था, यानी व्यापार किया जाता था. तो ज्यादा से ज्यादा व्यापार जो होता था वो सी रूट से ही होता था, यानी समंदर में से ही किया जाता था. अभी तो बहुत सारे रोड बने हुए हैं, लैंड रूट्स बहुत सारे बने हैं, लेकिन सी रूट अभी भी यूज किया जाता है. द आइलैंड इन द सी. अंडमान एंड निकोबार आर द इंडियन आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल. आपने देखा होगा कि अंडमान निकोबार जो है ये आइलैंड्स है, हमने देखा है मैप में, देख सकते हो आप अंडमान निकोबार. ये छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये लैंड है, समंदर के अंदर ये लैंड है, इसीलिए उसको आइलैंड बोला जाता है ना. तो ये जो है आइलैंड अंडमान निकोबार इसका नाम है, आर द इंडियन आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल. ये कहाँ पे आते हैं, बे ऑफ बंगाल जो समंदर है, महासागर, वहां पे है. लक्षद्वीप इज अ ग्रुप ऑफ इंडियन आइलैंड्स इन द अरेबियन सी. लक्षद्वीप भी हमने पिछले पीरियड में देखा था कि कहाँ पे है, ये दिख रहा है आपको लक्षद्वीप, ये भी समंदर के अंदर है, ये छोटे छोटे दिख रहे पार्ट, दिस इज लैंड. ये जो छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, दिस इज लैंड, एंड व्हाट वी कॉल दिस लैंड्स, लक्षद्वीप, उसका नाम है लक्षद्वीप. तो ये भी इंडिया में ही आता है. ओके, द लोकेशन ऑफ दिस आइलैंड्स मे हैव बीन इम्पोर्टेंट इन एंशंट सी ट्रेड. द मेन्यूस्क्रिप्ट्स पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी और हैंडबुक ऑफ द रेड सी मेक्स अ मेंशन इन इंडियन आइलैंड्स. इट हैज बीन रिटर्न बाय एन अननोन ग्रीक सेलर. ये जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है, इसके बारे में ये जो एक बुक या मेन्यूस्क्रिप्ट लिखा गया है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, इस बुक में उसको मेंशन किया गया है, ये जो आइलैंड है इसके बारे में उसमें लिखा गया है. So this map we had seen in the previous video. Here is Andaman Island. कैसे दिखता है देखो Andaman Island. Okay. And we are going to finish the lesson now. In the same video we will complete the lesson. The Indian subcontinent. The cities of Harappa and Mohenjo-daro are in today's Pakistan. ये जो है बार बार मैं बता रही हूँ आपको हरप्पा मोहनजोदारो के बारे में, जहाँ पे नया सिविलाइजेशन हमें मिला था, उसकी खोज हुई थी और खुदाई में बहुत सारे अवशेष मिले थे. तो वो कहाँ पे है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड इंडिया टुगेदर फॉर्म द रीजन नोन एज साउथ एशिया. वो पाकिस्तान में है और ये जो सारे हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड इंडिया टुगेदर फॉर्म द रीजन नोन एज साउथ एशिया. तो ये सारे देशों को मिलकर, ये सारी कंट्रीज जो नाम दिए हैं, ये सबको मिलाकर क्या बनता है, साउथ एशिया. ये साउथ एशिया की कंट्रीज है सब. कंसिडरिंग द एक्सपांस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया इन दिस रीजन, इट इज ऑल्सो नोन एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. तो इसी ये जो है इंडिया का जो महत्व है, उसके कारण क्या है, ये जो एरिया है, ये देशों सब देश को मिलकर जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है उसे.
The Harappan civilization had spread mainly in the northwestern part of the Indian subcontinent. China and Myanmar are neighboring countries, are not a part of South Asia. China और Myanmar जो है ये अलग देश है और वो South Asia में नहीं आते हैं और the Indian subcontinent और सब Indian subcontinent में भी नहीं आते हैं. However, they had cultural and trade relations with ancient India. लेकिन उनका इंडिया से ट्रेडिंग में रिलेशन है और कल्चरल रिलेशन भी है. दे हैव एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द स्टडी ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री. जो पुरानी इंडियन हिस्ट्री है उसमें उनका स्थान है. ओके सो बहुत लंबा हो गया ये वीडियो. लेट अस स्टॉप हियर. क्वेश्चन आंसर्स आई विल गिव यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.